पर्यावरण का मनुष्य के जीवन में काफी सर्वोपरि स्थान माना जाता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। हम अगर अपने पास के वातावरण को जितना स्वच्छ और साफ सुथरा रखेंगे, उसका असर सीधा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। हमारा स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा और हम गंदी महामारी के शिकार होने से बचे रहेंगे। वहीं अगर ठीक इसके विपरीत बात करें, तो कहीं हमारा समाज जितना प्रदूषित रहेगा, हम उतने ही भयावह बीमारी के चपेट में चलते चले जाएंगे। आखिर अब ये सवाल पैदा होता है कि अपने समाज और देश को प्रदूषण मुक्त होने से कैसे बचाए। इसका स्पष्ट जवाब ये है कि कूड़ा करकट और बेफजूल की चीजें को यूं ही खुले जगहों पर ना फेंके, कूड़ेदान का सही इस्तेमाल करें, समाज और देश को साफ करने में अपना अहम योगदान दें। प्लास्टिक की चीजें को यूं ही खुले जगहों में ना फेंके, ये भी दैनिक जीवन में काफी गहरा असर डालता है। प्लास्टिक उर्वरक जमीन को बंजर बना देती है, जिसके फलस्वरूप किसानों को खेती बाड़ी की भी समस्या होती है। प्रकृति के साथ विगत कई वर्षों से की जा रही छेड़छाड़ से पर्यावरण को हो रहे भारी नुकसान को देखने को मिल रहा है। विश्व में बंजर इलाकों की संख्या में बढ़ोतरी, जंगल की बढ़ती कटाई से पेड़ पौधे लुप्त होते दिख रहे हैं और प्रदूषणों से पानी दूषित हो रहा है, जिससे लोग महामारी और भयंकर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसका ये भी वजह है कि कस्बों एवं शहरों पर गहराती अस्वच्छ हवाएं और हर साल बढ़ते बाढ़ एवं सूखे के प्रकोप से इस बात का प्रतिम साक्षी है कि हमने अपने पृथ्वी और अपने पर्यावरण की अच्छे से देखभाल नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।